एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज हम सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तो आज के सेंटेंस जितने भी होंगे सारे नकारात्मक वाक्य होंगे, निगेटिव सेंटेंस होंगे, तो उनका हम करेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और सीखेंगे किस तरह से ट्रांसलेशन किया जाता है। तो चलिए एक एक सेंटेंस को लेते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे सेंटेंस हैं जिसको आप करेंगे तो आपको निगेटिव सेंटेंस बहुत ही अच्छी तरह से करने आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला सेंटेंस है, मैं नहीं जानता। दूसरा है, मैं कुछ नहीं पूछता। वह यहाँ नहीं आती। वह चाय बनाना नहीं जानती। तो यहाँ पर देखिए सारे सेंटेंस में नहीं 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 दिया गया है, इसका मतलब कि ये नकारात्मक वाक्य हैं, निगेटिव सेंटेंस हैं। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में। तो देखिए पहला हमारा सेंटेंस है, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता, तो इसको बनाने के लिए पहले हम मैं की इंग्लिश लिखेंगे। मैं की इंग्लिश होती है आई, फिर हो जाएगा यहाँ पर जानता, तो प्रेजेंट टेंस है, तो हो जाएगा आई डू नॉट नो। नो मतलब होता है, सॉरी, के एन ओ डब्लू, नो मतलब होता है जानना, तो हो जाएगा आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। उसके बाद है दूसरा हमारा सेंटेंस है, मैं कुछ नहीं पूछता। मैं कुछ नहीं पूछता, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं की इंग्लिश लिखेंगे। मैं की इंग्लिश होती है आई, फिर हो जाएगा कुछ नहीं, तो हो जाएगा डू नॉट आस्क। आई डू नॉट आस्क मतलब होता है पूछना। आई डू नॉट आस्क कुछ नहीं मतलब एनीथिंग। आई डू नॉट आस्क एनीथिंग, मैं कुछ नहीं पूछता। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह यहाँ नहीं आती। वह यहाँ नहीं आती, तो इसके लिए हो जाएगा पहले वह की इंग्लिश लिखेंगे। अब यहाँ पे है आती, लास्ट में आती दिया हुआ है, इसका मतलब कि कोई स्त्री है, महिला है या स्त्री है, तो यहाँ पर वह की जगह पर वह की इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, महिला की वजह से हम लिखेंगे सी। सी डज नॉट, सी डज नॉट कम हियर। सी डज नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आती। डज नॉट सहायक क्रिया है, डज सहायक क्रिया है, नॉट निगेटिव सेंटेंस के लिए लगा है, कम मतलब आना और हियर मतलब यहाँ। सी डज नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आती। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है, वह चाय बनाना नहीं जानती। वह चाय बनाना नहीं जानती, तो इसका हो जाएगा, यहाँ पर भी है जानती तो कोई महिला ही होगी, तो हम लिखेंगे सी डज नॉट, सी डज नॉट नो, नो मतलब जानना, सी डज नॉट नो हाउ टू मेक टी। हाउ टू मेक टी, यहाँ पर देखिए सी डज नॉट नो हाउ टू मेक टी, इंग्लिश में ऐसा होता है जैसे वह चाय बनाना नहीं जानती है, तो सी डज नॉट नो वह नहीं जानती है, हाउ टू मेक टी चाय कैसे बनाई जाती है। जैसे इंग्लिश में इस तरह से लिखना पड़ता है कि हाउ टू मेक टी चाय कैसे बनाई जाती है। जैसे हमें बोलना होता है आई डू नॉट नो हाउ टू रीड इंग्लिश, मैं नहीं जानती हूँ कैसे इंग्लिश पढ़ी जाती है, तो हमें इस तरह से बोलना पड़ेगा हाउ टू रीड इंग्लिश, मैं नहीं जानती कि किस तरह से इंग्लिश पढ़ी जाती है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, फाइव नंबर सेंटेंस है हमारा, कल वह बस लेने में नहीं चूका। कल वह बस लेने में नहीं चूका, कल वह बस लेने में नहीं चूका। तो ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कल वह बस लेने में नहीं चूका। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम पहले लिखेंगे ही डिड नॉट
ही डिड नॉट मिस, मिस मतलब होता है चूकना, ही डिड नॉट मिस द बस, ही डिड नॉट मिस द बस, कब कब बोल रहा है, कल, तो कल की इंग्लिश हो जाएगी यस्टरडे, ही डिड नॉट मिस द बस यस्टरडे, कल वह बस लेने में नहीं चूका। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है 6 नंबर, हमने यह समाचार नहीं सुना, हमने यह समाचार नहीं सुना, हमने यह समाचार नहीं सुना, तो इसका हो जाएगा वी हैव नॉट हेयर्ड मतलब होता है सुनना, दिस न्यूज़, इस समाचार को, दिस न्यूज़, वी हैव नॉट हेयर्ड दिस न्यूज़, हमने इस समाचार को नहीं सुना या हमने यह समाचार नहीं सुना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है 7 नंबर, आज ठंड नहीं है, आज ठंड नहीं है, आज ठंड नहीं है, तो इसके लिए हो जाएगा इट इज़ नॉट कोल्ड टुडे, आज ठंड नहीं है। इस तरह से हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए हुए, और अभी हमारे कुछ सेंटेंस और हैं, हम 10 सेंटेंस बनाएंगे, पूरा 10 सेंटेंस लेंगे, तो यहाँ पर हमारा 8 सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको ये सारे सेंटेंस कैसे लग रहे हैं कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरह से वीडियोस लेकर आते रहते हैं, अगर आप नए हैं चैनल पर तो आप देखिए, चैनल को विजिट करिए, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंस और सारे इसी तरह के वीडियोस मिलेंगे, कुछ स्टोरी और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश ग्रामर, सारे वीडियोस आपको इस हमारे चैनल पर मिलेंगे, और जो पुराने हैं उन लोगों को तो अच्छे से पता है कि क्या हो रहा है, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है हमारे चैनल पर। तो चलिए नेक्स्ट हम सेंटेंस बनाते हैं, वह स्त्री विवाहित नहीं है, वह स्त्री विवाहित नहीं है, वह स्त्री विवाहित नहीं है, तो हो जाएगा सी इज नॉट मैरिड, सी इज नॉट मैरिड, सी इज नॉट मैरिड, वह विवाहित नहीं है। उसके बाद हमारा 9वां सेंटेंस है, आज हम लेट नहीं हैं, आज हम लेट नहीं हैं, तो इसका हो जाएगा आज हम लेट नहीं हैं, वी आर नॉट लेट टूडे, वी आर नॉट लेट टूडे, वी आर नॉट लेट टूडे, हम आज लेट नहीं हैं या आज हम देरी से नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है 10वां सेंटेंस है, वह दिल्ली में नहीं थी, वह दिल्ली में नहीं थी, वह दिल्ली में नहीं थी, तो इसका हो जाएगा सी वॉज नॉट इन दिल्ली, सी वॉज नॉट इन दिल्ली, वह दिल्ली में नहीं थी। तो इस तरह से आज 10 सेंटेंस हमने बनाए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और सेंटेंस अभी बहुत से सारे सेंटेंस हैं निगेटिव सेंटेंस, हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंस वाले वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। इसी तरह से नॉलेजबल वीडियोज़ लेकर हम आते रहेंगे आप लोगों के लिए, ये हमारा वादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, निगेटिव सेंटेंस को और भी आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।